की एग्जाम्पल, हमारे पास सीरीज क्या दे रखी है, 1 + 1/4 + 1/7 अप टू सोन, क्या सीरीज है ये 1/3n-2। और यहाँ पे SOPS नहीं निकाल सकते, ना ही ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो अब हम देखेंगे क्या ये कंपैरिजन टेस्ट से पॉसिबल है, कैसे। तो an हमारे पास क्या है, 1/3n-2। अब मैंने आपको बोला था कि हमने चेक करना है कि bn कैसे बनाते हैं, हम bn ऐसा क्या लें कि जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/bn निकाले तो कुछ सॉल्व होके आए, ठीक है। तो अब हमें पता है an देखिए क्या है, n अगर आप कॉमन ले लो 3n, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1-2/, या फिर ये बोल दीजिए यहाँ पे अगर हम n कॉमन ले लें तो 3-2/n, और सॉल्व होके आपके पास कुछ आ जाएगा। अगर हम bn को क्या चूज कर ले, ये 1/n, क्योंकि जब हम an/bn निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इजीली। तो निकालिए, चूज, यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूज bn = 1/n। तो वी विल गेट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, दिस इज an, ओके, एंड bn इज 1/n। तो आपको क्या मिलेगा, 1/n 3-2/n इंटू n बाय 1 लिमिट। क्या आ गया, आप लिमिट अप्लाई कीजिए तो 1/3-0 दिस इज 1/3 विच इज पॉजिटिव एंड फाइनाइट, हेंस an एंड bn विल डाइवर्ज और कन्वर्ज टूगेदर। यही था हमारा कंपेरिजन टेस्ट कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/bn क्या आ जाए, फाइनाइट और पॉजिटिव नंबर आ जाए, देन an एंड bn विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर। ये है bn वाली सीरीज, ये है an वाली सीरीज। एंड बाय पी टेस्ट bn इज डाइवर्जेंट, क्योंकि पी टेस्ट क्या कहता है, पी टेस्ट यही कहता है कि अगर 1/n^p टाइप की सीरीज है देन इट इज कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू 1। अब पी क्या है, इक्वल टू 1 है, तो 1/n क्या करती है, डाइवर्ज करती है, bn डाइवर्ज कर रही है, दिस इंप्लाइज an इज डाइवर्जेंट, an भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ओके।